दोस्तों, अगर आप भी अपने सीने को ब्रॉड करना चाहते हैं, अपने सीने को चौड़ा बनाना चाहते हैं, वो भी काफी कम समय में, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिनको अगर आप आजमाते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि बहुत ही कम समय में आपका सीना काफी चौड़ा हो जाएगा, आपकी जो चेस्ट मसल्स है वो बहुत तेजी से ग्रो होने लगेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चेस्ट मसल्स की। हमारी चेस्ट मसल्स कुछ इस तरीके से होती है और ये तीन हिस्से में डिवाइड होती है, अपर चेस्ट, मिडिल चेस्ट और लोअर चेस्ट। और हमें सभी को डेवलप करना बहुत जरूरी है अगर आप अपनी चेस्ट के साइज को बढ़ाना चाहते हैं। अभी आ जाते हैं अपनी सबसे पहली टिप पे। सबसे पहली टिप है हमारी स्लो डाउन द मूवमेंट। अब इससे मेरा क्या मतलब है, मान लीजिए आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं चेस्ट की, आप बेंच प्रेस कर रहे हैं, डंबल प्रेस कर रहे हैं, डंबल फ्लाइज कर रहे हैं या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब तक आप उस एक्सरसाइज को धीरे धीरे परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक आपकी चेस्ट ग्रो नहीं हो पाएगी। एक चीज को आपको समझना पड़ेगा, जो हमारी चेस्ट मसल्स होती है उसमें अलग अलग फाइबर्स होते हैं और वो फाइबर्स तभी एक्टिवेट होते हैं जब उन पे पूरा फोकस पड़ता है। तो पूरा फोकस डालना है अगर आपको अपने चेस्ट के मसल्स फाइबर पे, तो इसके लिए आपको अपनी एक्सरसाइज को धीमे करना होगा। अब जैसे मान लीजिए आप बेंच प्रेस कर रहे हैं, तो जब आप बेंच प्रेस एक्सरसाइज करें तो इसमें जब आप अपने हाथों को ऊपर ले जाएं तो धीरे धीरे ऊपर ले जाएं, कम से कम 2 सेकंड लगाएं अपने हाथ को ऊपर ले जाने में और नीचे लाने में 3 सेकंड लगाएं। मतलब आपको पूरा एक रेप कंप्लीट करने में कम से कम 5 सेकंड लगना चाहिए, तब तो आपके जो पूरे मसल फाइबर है वो अच्छे से एक्टिवेट होंगे। उसके बाद आते हैं दूसरी टिप पे, जो कि है ग्रो योर अपर चेस्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने चेस्ट को चौड़ा करना चाहते हैं, अपने सीने को ब्रॉड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपनी अपर चेस्ट को ग्रो करना बहुत जरूरी है। अपर चेस्ट के लिए मैंने वीडियो पहले ही बनाया है, आपको आई बटन में मिल जाएगा, उसको जाके देख लीजिएगा, एक्सरसाइजेस बताई है उसमें। यहां पे मैं आपको एक्सरसाइजेस बता देता हूं। आप कर सकते हैं इनक्लाइन डंबल प्रेस या फिर इनक्लाइन बेंच प्रेस। जब हम अपनी बॉडी को इनक्लाइन रख के एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी अपर चेस्ट बहुत तेजी से ग्रो होती है। और एक बात को हमेशा ध्यान रखें, जब भी चेस्ट को बड़ा बनाना होता है, ग्रो करना होता है, चौड़ा करना होता है, तो हमको अपर चेस्ट को सही से ट्रेन करना होता है। उसके बाद आते हैं अपनी तीसरी टिप पे, जो कि है इंक्रीज सेट्स एंड रेप्स। यानी आपको अपने सेट्स को और अपने रेप्स को बढ़ाना होगा अगर आप अपने चेस्ट मसल्स को ग्रो करना चाहते हैं। देखिए, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो एक सेट मारते हैं किसी एक्सरसाइज का, 2 सेट मारते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी चेस्ट ग्रो नहीं होती है। तो इसका सीधा सा ये रीजन है कि आपको अपने सेट को और अपने रेप्स को बढ़ा देना है। जैसे जैसे आप रेप्स बढ़ाते जाओगे, आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता जाएगा और आप देखोगे कि बहुत जल्दी आपकी पूरी ओवरऑल चेस्ट काफी तेजी से ग्रो होने लगेगी। उसके बाद आते हैं अपनी चौथी टिप पे, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो ज्यादातर बिगनर्स लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो कि है स्टे अवे फ्रॉम मशीन्स। अगर आप बिगनर हैं और आप बिगनर ही शुरुआत में ही अगर आप मशीन्स का यूज करके एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी चेस्ट कभी भी ग्रो नहीं होने वाली है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। देखिए, मशीन जो होती है, मशीन बनी क्यों होती है, मशीन आपके सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया को ही टारगेट करती है, जिस पर्टिकुलर एरिया के लिए, जिस मसल्स के लिए वो मशीन बनाई गई होती है। लेकिन जब हम ट्रेडिशनल एक्सरसाइजेस करते हैं, जो हमारी बेसिक एक्सरसाइजेस है उनको करते हैं बिना मशीन के एक्सरसाइज करते हैं, जैसे डंबल से करते हैं, बारबेल से करते हैं, तो वो हमारे केवल, जैसे मान लीजिए आप चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो केवल चेस्ट को ही नहीं टारगेट करती है, वो हमारे बाइसेप्स को, हमारे शोल्डर्स को, हमारे ट्राइसेप्स को, ये सारी मसल्स को थोड़ा थोड़ा ट्रेन करती है, जिससे आप धीरे धीरे भारी से भारी वजन उठाने लगते हो। लेकिन अगर आप शुरुआत में ही मशीन का यूज करने लगे तो आप भारी वजन नहीं उठा पाओगे और आपकी मसल्स कभी भी ग्रो नहीं होंगी, क्योंकि जब तक सपोर्टिव मसल्स ग्रो नहीं होंगी तब तक जो मेन मसल है वो कभी भी ग्रो नहीं हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें, मशीन शुरुआत में यूज नहीं करना है, पहले ट्रेडिशनल एक्सरसाइजेस करें, डंबल से, बारबेल से एक्सरसाइज करें, उसके बाद मशीन का यूज करें। उसके बाद आते हैं अपनी पांचवी टिप पे, जो कि है परफॉर्म फुल रेंज ऑफ मोशन। देखिए, मैंने आपको बताया जब भी एक्सरसाइज करें तो फुल रेंज ऑफ मोशन का ध्यान रखना है। इसका मतलब यह होता है कि अगर आप मान लीजिए बेंच प्रेस कर रहे हैं, तो जब आप अपने हाथ को नीचे ला रहे हैं तो एकदम नीचे लाएं जहां तक आप ला सकें, और जब आप अपने ऊपर हाथ को ले जा रहे हैं तो एकदम ऊपर ले जाना है जब तक आपका हाथ सीधा नहीं हो जाता है। अगर आप बीच में ही एक्सरसाइज को रोकोगे और ऐसे करोगे तो आपकी एक्सरसाइज कभी भी कंप्लीट नहीं मानी जाएगी और आपकी चेस्ट मसल्स कभी भी ग्रो नहीं हो पाएंगी। तो दोस्तों, ये 5 टिप्स थी। मैं गारंटी देता हूं अगर आप इन 5 टिप्स को अपनाते हो तो आप देखोगे कि बहुत कम समय में आपके जो मसल्स फाइबर हैं, जो चेस्ट के मसल्स हैं, वो काफी तेजी से ग्रो होने लगेगी। दोस्तों, ये था वीडियो। अच्छा लगा हो दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।